हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड फोर्थ, सब्जेक्ट ईवीएस एंड वर्कशीट 16। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। आपको क्या करना है, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नेम लिखना है। राइट अबाउट हिम और हर, अगर वो गर्ल है या वो बॉय है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सो लेट स्टार्ट। बेटा देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर वन है, ए है, वो आपके पर्सनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप वही दें जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप अपना फेवरेट, अगर स्पोर्ट्समैन कोई और स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। गेम द पर्सन प्लेज, भाई कौन सा पर्सन जो है वो, ये पहले तो मैंने क्या करा है, इसका नाम दे दिया है, ठीक है ना, कपिल देव, ठीक है। और उसको वो किस गेम से है, वो क्रिकेट से बिलोंग करता है वो, ठीक है। तो मैंने कह दिया गेम एंड द प्ले पर्सन प्लेज, भाई क्रिकेट से वो खेलते हैं और उनका नाम क्या है, कपिल देव है। रिकॉर्ड ही शी हैज़ मेड, भाई कपिल देव ने क्या रिकॉर्ड बनाया है वो मुझे लिखना है। सो ही रिटायर्ड इन 1994, वो 1994 में रिटायर हो गए थे। होल्डिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे उन्होंने, टेकन इन द टेस्ट क्रिकेट्स में, टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे। पते वाई डू यू लाइक हर, भाई मैं उनको कपिल देव को क्यों पसंद करती हूँ, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर है, तो मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि कपिल देव जो है, रामालाल निकंज इनका पूरा नाम है, ठीक है। और वो बॉर्न हुए थे 6 जनवरी 1959 को, मैं इसलिए पसंद नहीं करती हूँ, ये तो मैंने उनका एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था आपके जानने के लिए। अब हम पसंद क्यों करते हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है वो, ही वॉज अ फास्ट बॉलर, मैं उनको क्यों लाइक करती हूँ, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर है, बहुत तेज बॉल करते हैं, एंड अ हार्ड हीटिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और वो एक बहुत तेज से जब बॉल मारते हैं, एज अ बैट्समैन है एक अच्छे, जब वो बॉल मारते हैं तो क्या होता है, वो इजीएस्ट वे में दूसरों के विकेट्स ले लेते हैं, लाइक वो दूसरे को हरा देते हैं। तो एक फास्ट बॉलर होने की वजह से और एक अच्छा प्लेयर होने की वजह से मैं उनको लाइक करती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने उनका। सो लेट स्टार्ट। सेकेंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको क्या करना है, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के आगे ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। अगर कोई बात सही है तो आपको उसके आगे ट्रू लिखना है, और अगर वो बात रॉन्ग है तो आप उसके आगे क्या लिखोगे, यू टेल मी नाउ, येस फॉल्स, कि वो गलत है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम इन अ कबड्डी मैच, क्या कबड्डी मैच में 11 प्लेयर्स होते हैं, देन इट इज फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड, क्रिकेट इज एन इंडोर गेम, इंडोर गेम क्या होता है बेटा, जो घर के अंदर खेला जाता है, तो क्या क्रिकेट घर के अंदर खेला जाता है क्या, सो इट इज फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। थर्ड, वी शुड नॉट अप्रिशिएट गुड प्लेयर ऑफ आवर ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स मीन्स क्या होता है, प्रतिद्वंदी, जो हमारे अगेंस्ट में है ना, जो हमारी अगेंस्ट टीम में, तो क्या बोल रहा है, क्या हमें उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करना चाहिए, दो इट इज रॉन्ग, नहीं, अगर कोई एक अच्छा पर्सन है, एक अच्छा प्लेयर है, तो हमें उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो हमारी अगेंस्ट टीम में ही क्यों ना हो, ओपोनेंट्स ही क्यों ना हो। फोर्थ, गेम कैन बी प्लेड विदाउट रूल्स, क्या कोई भी गेम या है जो बिना रूल्स के खेल सकते हैं, देन इट इज रॉन्ग, फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है। सिक्स, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव सेंस ऑफ हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर सेंस होना चाहिए, किसका, हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप का, सो इट इज ट्रू, हाँ आप में एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप होना जरूरी है, ठीक है, सो इट इज ट्रू। स्पोर्ट्समैन मींस क्या होता है बेटा,
हमने ट्रू तो कर दिया, बट एक बार अंडरस्टैंड तो करेंगे स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है। तो स्पोर्ट्समैनशिप होती है सच्चापन या खुली भावना, खेल की भावना से खेलना। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप में भी ऐसा सेंस होना चाहिए कि आप हेल्दी अच्छी तरह से सच्ची भावना रखते हुए खेल भावना से गेम को खेलो, इसमें चीटिंग ना करो, ठीक है। सो इट इज़ ट्रू, हाँ ये बात सही है, हमें स्पोर्ट्समैन की तरह खेलना चाहिए, एक सच्ची भावना के साथ, खेल की भावना के साथ खेल को खेलना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट वर्कशीट 16 विल बी अंडरस्टैंड बाय द यू पीपल्स। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।